इस वीडियो सेशन में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे यूनिट थर्ड के, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। बेसिकली पेस्ट का मतलब होता है कि कॉपी किए गए डेटा को दोबारा से नए रूप से लेकर आना या उसकी मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करना कहलाता है पेस्ट। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, यह हमारी पेज मेकर की विंडो है और यहां पर जो मैं डेटा लेकर आऊंगा वो डेटा पेज मेकर के अलावा किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एमएस एक्सेल में एक डेटा टाइप करके रखा हुआ है जिनमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक वीकडेज के नाम लिखे हैं और उसके पहले मैंने नंबर सीरीज लिखी। लिखने के बाद मैं अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कॉपी। कॉपी करते ही यह डेटा कॉपी हो जाएगा और फिर वापस लौट कर आएंगे पेज मेकर पर, और पेज मेकर में हम एडिट में जाकर मेन्यू में क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन। तो जो डेटा हमने एमएस एक्सेल में कॉपी किया था वो पेज मेकर पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये था एक डिफॉल्ट पेस्ट। लेकिन हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का सबसे पहला एग्जांपल होता है टेक्स्ट, जो अभी हमने देखा। यानी एमएस एक्सेल से या किसी भी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमने कोई भी डेटा को सिलेक्ट करा, उसे कॉपी करा, वापस पेज मेकर की विंडो पर आकर एडिट में मेन्यू में जाकर पेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन ना करते हुए हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा पेस्ट स्पेशल नाम से, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन होगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जिसका मतलब होता है कि जो भी डेटा, अगर मैं ओके करता हूं तो जो भी डेटा आपने कॉपी करा है वो केवल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल में हमें रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की जगह कुछ और ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है एनहांस्ड मेटा फाइल। एनहांस्ड मेटा फाइल क्या करता है, जैसे मैं ओके करूंगा तो ये डेटा को लेकर तो आएगा लेकिन उसी के साथ साथ टेक्स्ट के साथ साथ हमें यहां पे सेल की बॉर्डर्स भी दिखाई देगी। यानी एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा आपके पेज मेकर की विंडो पर आएगा, जो कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आ रहा था। तो यह था फर्क एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और एनहांस मेटा फाइल के बीच में। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको तीसरा ऑप्शन, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं एक्सेल का वही डेटा अपना कॉपी करे रखूंगा, ये मैंने कॉपी किया हुआ है, वापस जाएंगे एडिट मेन्यू में पेस्ट स्पेशल, और यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। आमतौर पर ऑब्जेक्ट ही से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सेल का नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्सेल से डेटा कॉपी किया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डेटा कॉपी करते हैं तो उसका नाम भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं सिलेक्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट और ओके पर क्लिक करते ही ये एक ऑब्जेक्ट आया। अब ये ऑब्जेक्ट देखने में बिल्कुल एनहांस टेक्स्ट की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट में और एनहांस टेक्स्ट में फर्क केवल मात्र इतना है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे अपने पेज मेकर की विंडो में, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एमएस एक्सेल
ओपन हो जाएगा जहां से आपने डेटा को कॉपी किया हुआ है। मैं एक बार फिर दिखाता हूं कि जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट पे माउस की सहायता से डबल क्लिक करूंगा तो सीधा रिडायरेक्ट कर देगा हमें एमएस एक्सेल की विंडो पे, यानी कि वहां पर जहां से इस डेटा को कॉपी किया गया था। तो ये थे पेस्ट की कुछ वैरायटीज जिन्हें जाना जाता है पेस्ट स्पेशल नाम की विंडो के सहायता से। अभी मैंने रिमूव कर देता हूं। दूसरा टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है राउंड कॉर्नर्स। राउंड कॉर्नर्स का मतलब होता है कि जैसे कि यदि मैं यहां पर कोई एक ऐसा शेप ड्रॉ करूं, ये मैंने एक शेप ड्रॉ करा और इसके अंदर मैं कलर्स अप्लाई कर देता हूं, शो कलर्स, कलर्स मैंने अप्लाई कर दिया, लेट अस सपोज रेड, राइट क्लिक, एक्चुअल साइज पे क्लिक करते ही ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा एक तरह से। अभी जो हमने रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करा है, आप इसके अगर कॉर्नर्स पर गौर करें तो इसके कॉर्नर्स पॉइंटेड है। मैं चाहता हूं कि जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड हो जाएं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को आपको राउंड करना है उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करें, फिर एलिमेंट मेन्यू में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है राउंडेड कॉर्नर्स। राउंडेड कॉर्नर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आएगी जिसमें कुछ शेप्स दिए हुए हैं, आपको कितना ज्यादा उसको बैंड करना है। तो मैं कुछ ये वाला ले लेता हूं, ओके। तो अब देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा बैंड हो गया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कॉर्नर्स को कम व ज्यादा राउंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा और ज्यादा राउंड कर देता हूं, ये देखिए ये मैक्सिमम। और अगर आपको वापस नॉर्मल करना है, पॉइंटेड शेप रखने हैं उसके कॉर्नर्स को, तो वापस जाए राउंड कॉर्नर्स में और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वापस वो पॉइंटेड हो जाएंगे। तो ये था राउंडेड कॉर्नर। इसको मैं रिमूव करता हूं। थर्ड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है पॉलीगन सेटिंग्स। पॉलीगन सेटिंग्स ऑप्शन एलिमेंट मेन्यू में ही मिलता है राउंडेड कॉर्नर्स के ठीक ऊपर, लेकिन इस पर काम करने के लिए हमारे पास पॉलीगन शेप मौजूद होना ज्यादा जरूरी है। तो मैं पहले एक पॉलीगन शेप ड्रॉ करता हूं। अब इस पॉलीगन शेप में 6 एजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम जरूरत के हिसाब से इसके नंबर ऑफ एजेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका पॉलीगन शेप को सेलेक्ट करना होगा, देन एलिमेंट मेन्यू में सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन पॉलीगन सेटिंग। पॉलीगन सेटिंग सेलेक्ट करते ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा नंबर ऑफ साइड्स। अभी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो है 6। आप साइड्स को कम कर सकते हैं, मिनिमम 3 है, और जितने चाहें उतने ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको 6 ना रखते हुए रख देता हूं अराउंड 10। ओके करते ही अब हमारे पास पॉलीगन शेप में नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे 10। अब इसके बाद एक ऑप्शन और होता है पॉलीगन सेटिंग में, वो होता है स्टार इंसर्ट। स्टार इंसर्ट बेसिकली है क्या, जैसे ही आप इंसर्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो यहां प्रीव्यू में आप देख सकते हैं उसके एजेस अंदर की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो यदि आपको
शेप्स में नंबर ऑफ एजेस को बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ साइड्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसके एजेस को अंदर की तरफ बेंड करना है तो स्टार इंसर्ट नाम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यह था हम लोगों का तीसरा टॉपिक, पॉलीगन सेटिंग।